ताला लगा है, लगता है कोई नहीं है, आस पास भी कोई नहीं है, यही मौका है। बंगला बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। ओहो मैडम, मेंटेनेंस का यहाँ पूरा पूरा ख्याल रखा जाता है। बल्कि देखिए, मैंने यहाँ पर एक हाउसकीपर को रखा है जो हफ्ते में 2-3 दिन आके सारी साफ सफाई करके चला जाता है। देखिए ना कितना नीट एंड क्लीन है। और मैं तो यहाँ पर आता जाता ही रहता हूँ मैडम। मैडम प्लीज, अब आप डील को डन कर दीजिए ना। देखिए, आपको मुझ जैसा एस्टेट एजेंट नहीं मिलेगा। आई एम द बेस्ट मैडम। अरे, मैंने इस पियानो को अभी भी बजते हुए सुना। आपने नहीं सुना? कैसी बात कर रही हैं आप मैडम? बगैर बजाए पियानो कभी अपने आप बजता है क्या? आपको गलत फहमी हो गई है। हाँ, ये बात भी सही है, शायद मेरा वहम होगा। मैडम, यहाँ का एटमॉस्फेयर ही इतना अच्छा है, कभी कभार ऐसा महसूस होता है कि पियानो अपने आप बजना शुरू कर रहा है। मैडम छोड़िए ना सारी बातों को, 50,000 रुपये भाड़े पर इस डील को डन कीजिए ना, 10,000 रुपये मुनाफा होगा। मैडम आप कहें तो मैं अपने सेक्रेटरी के हाथों डॉक्यूमेंट्स भेजा दूँ, प्लीज़ मैडम। हाँ वैसे बंगला तो मुझे काफ़ी पसंद आया है, चलिए डील फाइनल करते हैं। थैंक यू मैडम। ये पकड़िए घर की चाबी, आज के बाद ये बंगला आपका हुआ। आप जब चाहें यहाँ पर शिफ्ट कर सकती हैं। मैं तो कहूँ कि आज से ही आप यहाँ पर अपनी नॉवल राइटिंग शुरू कर दीजिए। Thank you.
क्या हो गया रिंकी? नर्स, इनका ऑक्सीजन मास्क निकालिए, नहीं मुझसे कुछ कहना चाह रहा है। देखिए मैं इनका ऑक्सीजन नहीं निकाल सकती, मैं डॉक्टर को बुला के लाती हूँ। रिंकी तुम्हें कुछ नहीं होगा नहीं। अरे ये लाइट कैसे ऑन हो गई? अभी अभी तो बंद करके आई थी। और ये पानी के गिरने की आवाज, अरे मैं तो नल बंद करके गई थी, ये अपने आप चालू कैसे हो गया? लगता है नल खराब हो गया है। नल तो नल, बल्ब को भी अभी खराब होना था। क्या मुसीबत है, आ, 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 आ,
बिगाड़ा मैंने तुम्हारा। कौन है यहाँ? मैं तो खामखाई डर गई थी। To my dearest daughter, Manisha. Manisha कौन है? पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। मेवालाल से बात करनी ही पड़ेगी। मैडम, बंगला तो बहुत शानदार दिया है हमने आपको। हो सकता है कोई इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम होगी। मुझे तो प्लंबिंग की प्रॉब्लम लगती है। आप फिक्र मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कब तक ठीक होगा? अब बस 2-3 दिन में मैं आ रहा हूँ ना। देखिए नेहा जी, मैं आपसे वादा करता हूँ, जैसे ही मेवालाल वापस आएगा, मैं खुद उससे बात करके आपकी सारी प्रॉब्लम दूर करने की कोशिश करूँगा। अब एक काम कीजिए, आप मेरा कार्ड रख लीजिए, और कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो अगर आपको, तो आप मुझे फोन कर सकते हैं। दैट्स नो प्रॉब्लम। आप ये कार्ड रख लीजिए। गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक्स। ये दरबार बंगला आप ही ने लिया है? हाँ, क्यों? वो बंगला नहीं, भूतों का डेरा है। हाँ, पिशाच रहते हैं वहाँ, किसी को टिकने नहीं देते। कैसी बातें कर रहे हैं आप? भूतों का डेरा? परसों पहले दरबार फैमिली वहां रहती थी। मनीषा उनकी इकलौती लड़की थी, बहुत प्यार करते थे दोनों उससे। और एक दिन अचानक उस बंगले में मनीषा की लाश लटकी पाई गई। उसकी मौत कैसे हुई किसी को कुछ पता नहीं चला। कोई कहता है उसने खुदकुशी कर ली, तो कोई कुछ और कहता है। लेकिन उस दिन से आज तक मनीषा की आत्मा उस बंगले में भटकती है। देखिए, I'm sorry, but मैं भूत प्रेत और आत्मा पे विश्वास नहीं करती। अब बिल्कुल ठीक कहती है, इस दुनिया में भूत प्रेत जैसी कोई चीज है ही नहीं। ए पीटर, तुमको कितने बार बोला हमारे क्लाइंट को भड़काने का नहीं। नेहा जी, ये पीटर है ना, सामने वाले शर्मा के यहाँ दलाल है। ये हमारे क्लाइंट को तोड़कर उनके पास ले जाता है और कमीशन खाता है। ए लड़की, क्या बकवास कर रही है? आप इसकी बात पर विश्वास मत करना। मेवालाल को आने दे, फिर तुझे देखती हूँ। चल चल, निकलो यहाँ से। आप इनकी बातों पर विश्वास मत कीजिए, ये लोग आपको बहका रहे हैं। मैडम, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। ये गली के नुक्कड़ पे चाय का ठेला है ना, वहीं मैं बैठता हूँ, कभी जरूरत लगे तो आ जाना। लेकिन मैडम, चल चल निकलो यहाँ से। किसी को टिकने नहीं देते।
बॉल कहां से आ गया? बच्चे का कमरा लगता है, ये सारे खिलौने। लगता है ये मनीषा होगी। कितनी सुंदर लड़की है। व्हीलचेयर किसकी होगी? जानता हूं कि तुम भूत प्रेत अंधविश्वास जैसी बातों पर यकीन नहीं करती। क्या ये सब चीजें वाकई में होती हैं या फिर ये मेरा वहम है? नहीं, तुम्हारा वहम नहीं है। तुम्हारे एक्सपीरियंस सुनने के बाद और मेरी साइकिक रिसर्च के मुताबिक मुझे जरूर लगता है कि उस बंगले में कोई सुपरनैचुरल पावर है। पता नहीं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मनीषा, राइट, जिसका तुमने जिक्र किया, उसने उस बंगले में खुदकुशी की। हो सकता है उसी की आत्मा उस बंगले में भटक रही हो और शायद तुमसे कुछ कहना चाह रही हो। लेकिन आत्मा मुझसे क्या कहना चाह रही होगी? कभी कभी होता है आत्मा अपनी तकलीफ दूसरों को बताना चाहती है, लेकिन शायद हम लोग ही नहीं समझ पाते। तुम कहना क्या चाह रहे हो विशेष? यही जानने के लिए मुझे तुम्हारे साथ उस बंगले में जाना होगा और उस आत्मा को बुलाना होगा।